सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक स्क्रू। और आज मेरे पास है ये एको डॉट फोर्थ जनरेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका अनबॉक्सिंग एज वेल एज सेटअप, किस तरीके से आप इसकी मदद से अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास स्मार्ट डिवाइसेस के नाम पे फिलहाल एक विप्रो का LED स्मार्ट बल्ब है और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्मार्ट प्लग भी ऑर्डर कर दिए हैं, तो बहुत जल्दी वो सब भी आ जाएगा और उनका वीडियोज भी आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, कैसे उन सबको इसके साथ यूज करना है, इसके अलावा क्या क्या कमांड ये सपोर्ट करता है। अगर हम इसके प्राइसिंग का बात करते हैं तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 4000 रुपीज का प्राइसिंग है Amazon.in पे। बाकी लेटेस्ट प्राइसिंग आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके मन में होगा कि क्या अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो क्या हम इस डिवाइस के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपके घर में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन है तभी आप इसको परचेज कीजिए, और अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं ना तभी आप इसको परचेज कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे जो है ना आपको कुछ वीडियोस मिल जाएगा स्मार्ट बल्ब को किस तरीके से सेटअप करना है। इसके अलावा अगर आपके स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर है तो उससे आप किस तरीके से अपने स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब वीडियोस का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एज वेल एज मेरे चैनल पे एक एलेक्सा नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पे जाके आप रिलेवेंट वीडियोस जो है ना वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एको डॉट फोर्थ जनरेशन का बॉक्स, और ये जो है ना इसका एक सस्ता वाला वेरियंट है। इसका एक महंगा वेरियंट भी आता है जिसमें आपको एक LED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो कि अराउंड आपको 5000 रुपीज का पड़ेगा, और ये वाला जो वेरियंट है ये 4000 रुपीज का पड़ेगा। दोनों का ही लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3.5 mm ऑक्स ऑडियो आउट बताया गया है, ब्लूटूथ है, हैंड्स फ्री विद एलेक्सा है, माइक्रोफोन के लिए ऑन ऑफ बटन आपको मिल जाता है, और यहाँ कुछ सपोर्टेड सर्विसेज के बारे में बताया गया है। फटाफट से हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे आपको जो है ना मेन एलेक्सा डिवाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तरीके से, तो इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा आई थिंक इसमें पावर अडैप्टर होगा। इसके अलावा कुछ और पेपर्स है, ये आपका यूजर मैनुअल है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इन दोनों को हम साइड कर देते हैं। बात करते हैं अगर हम अडैप्टर का, तो ये एक 15 वॉट का अडैप्टर आपको इस तरीके के पिन के साथ देखने के लिए मिल जाता है, और ये एको डॉट फोर्थ जनरेशन कुछ इस तरीके से जो है ना प्लास्टिक में रैप किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी का, तो जो स्पीकर वाला एरिया है कुछ इस तरीके का जो है ना मैश डिजाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऊपर के साइड यहाँ पे आपको 4 बटन्स देखने के लिए मिलता है, एक वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। माइक को यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन की मदद से, और इस बटन की मदद से जो है ना आप अलेक्सा को कमांड दे सकते हैं अगर आप वॉइस वेकअप के थ्रू कमांड नहीं देना चाहते हैं तो। हाफ सेक्शन में जो आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे 2 आपको पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक तो यहाँ पे अपना अडैप्टर कनेक्ट करेंगे, और दूसरा यहाँ पे आपको एक 3.5 mm ऑडियो ऑक्स आउटपुट पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। नीचे का ये वाला जो सेक्शन है ये रबराइज सेक्शन है, कुछ मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन है, और ये जो व्हाइट वाला लाइन आप देख रहे हैं ना ये LED रिंग लाइट आप समझ सकते हैं, LED स्ट्रिप है जो कि 3 कलर्स में ब्लिंक करता है, ब्लू, रेड एंड व्हाइट। किस किस फंक्शन में किस किस कलर में ब्लिंक करेगा वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट, इसको अगर आपको सेटअप करना है तो सबसे पहले जो है आपको अपने पावर अडैप्टर के थ्रू जो है इसको पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है ब्लू कलर में लाइट ब्लिंक करने लगेगा। हेलो, योर डिवाइस इज रेडी फॉर सेटअप, जस्ट डाउनलोड द अलेक्सा ऐप एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। करीबन 1 मिनट वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का वॉइस कमांड जो है वो सुनाई देगा। उसके बाद आपको अपने एको डॉट फोर्थ जनरेशन को साइड करना है, और आपको अपने फोन में जो है ना Amazon Alexa ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। हम ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किए हैं तो फटाफट से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप अपने Amazon अकाउंट से Amazon Alexa ऐप में साइन इन कर लीजिएगा। हम ऑलरेडी इस ऐप को यूज कर रहे हैं इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन है मेरे Amazon अकाउंट से। साइन इन कर लेने के बाद यहाँ पे आप डिवाइस सेक्शन में आ जाइएगा। डिवाइस सेक्शन में यहाँ पे आप ऑल डिवाइसेस पे टैप कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे आपको एको डॉट का एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आप कंटिन्यू पे टैप करके इसको सेटअप कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास यहाँ पे लेटर पे टैप हो जाता है तो भी जो है ना यहाँ पे आप ऑल डिवाइसेस पे टैप कीजिएगा, और यहाँ पे जो है ना प्लस के आइकन पे आप टैप कीजिएगा। प्लस के आइकन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड डिवाइस का, ऐड डिवाइस पे आप टैप कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप Amazon Echo पे टैप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आपको Amazon Echo देखने के लिए मिल रहा है, Amazon Echo पे आप टैप कीजिएगा, और उसके बाद आप Echo, Echo डॉट, Echo प्लस पे टैप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, इज योर एको इज प्लग्ड इन, तो ऑलरेडी प्लग्ड इन है, सेटअप मोड में है, यस पे हम यहाँ पे टैप कर देते हैं। यहाँ पे सर्चिंग फॉर डिवाइस हो रहा है और यहाँ पे आपका डिवाइस जो है वो शो करेगा, आपको जस्ट अपने डिवाइस पे टैप करना है।
उसके बाद इस तरीके से आप सर्चिंग फॉर वाईफाई करेगा और जो भी वाईफाई नेटवर्क आपका अवेलेबल हो उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड वाला जो वाईफाई है उसको आपको सिंपली टैप करना है। ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम वाईफाई से आपका फ़ोन भी कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा जो फ़ोन है वो 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड से कनेक्टेड है, बट हम जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड वाला वाईफाई जो है वो सेलेक्ट किए और उसके बाद जो है ना आपको उस वाईफाई का पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ेगा, योर एको डॉट इज नाउ कनेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू पे टैप कर देना है और आपका एको डॉट जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइस सेक्शन में जाते हैं, ऑल डिवाइसेस में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुष्कर एको डॉट शो कर रहा है जो कि ऑनलाइन है और ये जो स्क्रीन पे आपको लाइट दिख रहा है ना ये मेरा स्मार्ट बल्ब है। एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट। ओके एलेक्सा लाइट को जला दो। ओके एलेक्सा लाइट के कलर को रेड कर दो। ओके एलेक्सा लाइट के कलर को ग्रीन कर दो। ओके एलेक्सा लाइट के कलर को वाइट कर दो। ओके एलेक्सा लाइट के ब्राइटनेस को 5% पे कर दो। ओके तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जो है ना अपने स्मार्ट बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो है ना आप अपने स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम डिवाइस सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे मेरा लाइट ऑलरेडी एडेड था। लाइट को किस तरीके से ऐड करना है इन सब के ऊपर वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पे है जो आप जाके देख सकते हैं। ऑल डिवाइस में जाते हैं, यहाँ पे हम एको डॉट में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एको डॉट में और भी बहुत सारा फंक्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम बटन मिलता है। वॉल्यूम प्लस पे अगर आप टैप करते हैं तो इस तरीके से आपको नीचे में व्हाइट कलर का एलईडी रिंग मिलता है जिसका ब्राइटनेस जो है वो वॉल्यूम डाउन करने पे डिक्रीज होता जाता है और वॉल्यूम प्लस करने पे इंक्रीज होता जाता है। इसके अलावा अगर आप ये वाला बटन टैप करते हैं तो आपका माइक्रोफोन जो है वो ऑफ हो जाएगा और अब आप जो है अलेक्सा बोल के अपने एको डॉट को कमांड नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एक्शन बटन देखने के लिए मिलता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली प्रेस करके भी कमांड दे सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप इन का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप कहीं पे भी हैं या आपके रूम में है और आप इस पे डायरेक्टली जो है ना एक कॉल करना चाहते हैं, वॉकी टॉकी की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ड्रॉप इन पे टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन जो है ना एलेक्सा पे एक कॉल कनेक्ट कर देता है। हेलो तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी आप अपने फ़ोन पे बोलेंगे वो एको डॉट पे सुनाई देगा, फिर चाहे आप किसी भी लोकेशन से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना कहीं दूर से एको डॉट पे कुछ भी कमांड देना हो तो वो आप दे सकते हैं किसी और को। इसके बाद यहाँ पे आपको एको डॉट में डीएनडी को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एको डॉट के अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑडियो सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप बेस, मिड रेंज, ट्रेबल मतलब इक्वलाइज कर सकते हैं साउंड को। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ब्लूटूथ डिवाइसेस देखने के लिए मिल जाता है जिसकी मदद से आप कोई भी ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन, हेडफोन्स को जो है ना अपने एको डॉट के साथ पेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क को अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, बिल्ट इन स्पीकर या फिर ब्लूटूथ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टीरियो पेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिसकी मदद से आप दो एको डिवाइसेस को जो है ना स्टीरियो स्पीकर की तरह यूज कर सकते हैं। पेयर एलेक्सा गैजेट है तो ब्लूटूथ की मदद से जो है ना ब्लूटूथ डिवाइसेस को आप अपने एलेक्सा एको डॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टैप जेस्चर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब कि जब एलेक्सा पे अलार्म प्ले होगा तो सिंपली आप जो है ना टैप करके जेस्चर से अपने अलार्म को स्नूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको साउंड्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें अलार्म का वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज होगा, अलार्म का साउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, इनकमिंग कॉलर रिंगर जो है वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, कम्युनिकेशन यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन यहाँ पे इनेबल रहेगा तभी आप ड्रॉप इन फीचर को यूज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस का लोकेशन है जो कि मेरा लोकेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। टाइम जोन देखने के लिए मिल जाता है, वेक वर्ड जैसे कि अलेक्सा बोलने पे अभी जो है मेरा डिवाइस जो है वो वेक कर जाता है। आप चाहें तो कोई और वर्ड भी यहाँ पे आई थिंक सेट कर सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पे आपको प्रीसेट्स देखने के लिए मिलता है जैसे अमेजोन बोल के, कंप्यूटर बोल के या एको बोल के भी आप इसको वेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इसका लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्टेड है बट यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके मदद
से आप हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में कमांड दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार टाइप का असिस्टेंट लगा, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, सब समझ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट आपको देखने के लिए मिलता है और रजिस्टर टू जो मेरे अकाउंट से रजिस्टर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही सब कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कोई सेटिंग में कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलेक्सा को कमांड देके म्यूजिक प्ले करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो म्यूजिक जो है आपके फोन के म्यूजिक प्लेयर के थ्रू प्ले नहीं होता है, डायरेक्टली एको जो है वो म्यूजिक को प्ले कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई म्यूजिक प्ले करने का कमांड दें, अलेक्सा प्ले नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक म्यूजिक जो है मेरे एको डॉट पे प्ले हो रहा है और जो इसका साउंड क्वालिटी है ना वो हमको काफी अच्छा लगा। अच्छा खासा आपको इसमें बेस देखने के लिए मिल जाता है और जो लाउडनेस है वो भी इस डेस्कटॉप टाइप के स्पीकर को अगर हम समझे तो इसका लाउडनेस हमको इम्प्रेसिव लगा। और ये जो म्यूजिक प्ले हो रहा है मेरे फोन पे भी प्राइम म्यूजिक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, बट मेरे फोन पे ये म्यूजिक जो है वो प्ले नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली एको डॉट के थ्रू प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स यही था बेसिक सेटअप अनबॉक्सिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको यूज करना है। अगर आपके घर में प्रॉपर वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस डिवाइस को ले सकते हैं। अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं तो इस डिवाइस की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी जो है ना स्मार्ट प्लग से रिलेटेड वीडियोज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।